हाय गाइस, बिकम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज सेंड करते हैं, वॉइस मैसेज कैसे आप भेज सकते हैं किसी भी अपने जानने वाले के पास या फिर अपने दोस्त के साथ, कैसे आप वॉइस मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। और व्हाट्सएप को ओपन करके देखिए, जिस भी नंबर पर आपको वॉइस मैसेज भेजना है आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। और यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे एक माइक का आइकन आ रहा है, जैसे ही माइक के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है। देखिए, वॉइस मैसेज भेजने के कई तरीके हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के भी कई तरीके हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप इस माइक के ऊपर क्लिक करके रखेंगे, मतलब अगर आप अपने उंगली को इस माइक से नहीं उठाएंगे तो जो आपका वॉइस मैसेज है वो रिकॉर्ड होता रहेगा, और जैसे ही आप छोड़ देंगे तो मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आपको कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करना है तो आपको इस माइक के ऊपर प्रेस करके रखना है। जब तक प्रेस करके रखेंगे आपका जो मैसेज है वो रिकॉर्ड होता रहेगा, और जैसे ही आप इस माइक से अपनी उंगली को हटाएंगे तो मैसेज चला जाएगा। पहला मेथड ये है, मैं आप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसके ऊपर हटाऊँगा तो देखिए मैसेज चला गया। ओके, अब देखिए, ये तो था पहला तरीका जिसमें हमने उंगली रखी और जब तक रिकॉर्ड किया तब तक उंगली को रखे रखा, और उसके बाद जैसे ही मैसेज पूरा हुआ उंगली हटा दी और हमारा मैसेज चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एक लंबा मैसेज रिकॉर्ड करना है और आप अपनी उंगली को हमेशा रख कर नहीं रख सकते, मतलब इस पर रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उंगली को हटा लें और मैसेज आपका रिकॉर्ड होता रहे, तो उसके लिए आपको माइक के ऊपर एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो एक लॉक का आइकन आएगा, तो आपको अपने माइक को उस लॉक पर छोड़ देना है, तो आपका मैसेज रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको उंगली को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, करके दिखाता हूँ मैं आपको। ऊपर क्लिक करके मैसेज को प्रॉपर यहाँ पर देखिए, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो चुका है। मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का आइकन है, डिलीट कर सकते हैं। और सेंड करना है तो यहाँ पर सेंड का आपको आइकन मिल ही रहा है, तो मुझे अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप कर देंगे और फिर इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, देखिए दो तरीके मैंने आपको बता दिए मैसेज को रिकॉर्ड करने के। शॉर्ट मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए उंगली रखेंगे बटन पर, माइक वाले बटन पर। और अगर लॉन्ग मैसेज आपको रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आप जो माइक का आइकन है उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तीसरा तरीका देखिए, अगर आपको मैसेज रिकॉर्ड करते समय अगर आपको डिलीट करना पड़े तो उसको डिलीट कैसे करेंगे शॉर्ट मैसेज के लिए। देखिए, आपको करना क्या होता है, जब आप उंगली रख करके रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको बीच में मान लीजिए आपका मैसेज ख़राब हो गया और आप उसको हैंड टू हैंड डिलीट करना चाहते हैं, भेजना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी जो उंगली है उसको लेफ्ट साइड में लेकर जाइए, जैसे जहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं वहाँ पर लेकर जाइए, तो आपको डिलीट का आइकन मिल जाएगा। आप डिलीट के आइकन पर ले जा करके उस माइक को छोड़ दीजिए, आपका मैसेज जाएगा नहीं बल्कि डिलीट हो जाएगा। करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे मैसेज हम टाइप करते हैं वहाँ पर माइक को लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डिलीट का डस्टबिन का एक आइकन आएगा और आपका मैसेज बिना जाए डिलीट हो जाएगा। तो देखिए, ये तीन तरीके मैंने आपको वॉइस मैसेज के बताए हैं, आपको जो सही लगे उसका यूज़ करके आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो।